वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रेम्बो। दोस्तों मैं आज आपको ब्लड कैंसर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, बीसीआरएबीएल टेस्टिंग के बारे में। दोस्तों ये टेस्ट जो होता है सीएमएल और एएलएल के केसेस में बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों, और उसके साथ में एएमएल में भी इसका इंपॉर्टेंस है दोस्तों। सो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि बीसीआरएबीएल टेस्ट क्या होता है, बीसीआरएबीएल टेस्ट क्यों करवाया जाता है, और अगर ये करवाएं पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा और निगेटिव आएगा तो क्या होगा, तथा इसके लिए कौन से सैंपल की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो मैं इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज आपसे डिस्कस करूंगा दोस्तों। बीसीआरएबीएल टेस्ट को और भी दूसरे नामों से जाना जाता है, जैसे कि बीसीआरएबीएल जीन म्यूटेशन, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स, बीसीआरएबीएल 1 फ्यूजन जीन, फिलाडेल्फिया ट्रांसलोकेशन या पीएच, या ट्रांसलोकेशन 922, या फिर ट्रांसलोकेशन 922 Q34 और Q11 के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है दोस्तों। दोस्तों होता क्या है बीसीआरएबीएल टेस्ट? सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आपके मन में आता है कि बीसीआरएबीएल एक्चुअली बीसीआर और एबीएल क्या होता है। सो दोस्तों उसके लिए आपको ये समझना होगा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो होते हैं दोस्तों, जैसा आपको कुछ लोगों को पता होगा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो होते हैं 23 क्रोमोसोम्स पेयर्स होते हैं, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये पेयर्स में होते हैं, इसलिए 23 जोड़े होते हैं। इसमें से 22 जो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं, और 23वां नंबर का क्रोमोसोम जैसा आप यहाँ देख रहे हैं वो एक्स वाई होता है, जिसकी वजह से डिसाइड होता है कि एक्स वाई अगर होगा तो लड़का होगा और एक्स एक्स होगा तो लड़की होगा। दोस्तों ये क्रोमोसोम्स ही सब कुछ बताते हैं कि आगे क्या अंदर चेंजेस होने वाले हैं। सो दोस्तों यहाँ पर क्रोमोसोम्स में जो 9 नंबर क्रोमोसोम्स है उसका नाम होता है एबीएल, और जो 22 नंबर क्रोमोसोम्स होता है उसका नाम बीसीआर। दोस्तों इसी तरीके से हर क्रोमोसोम्स का एक नाम होता है। अब बीसीआर एबीएल ट्रांसलोकेशन में या म्यूटेशन में या जीन ट्रांसलोकेशन में होता क्या है दोस्तों? इसमें दोस्तों क्या होता है कि 9 नंबर का कुछ पार्ट जो होता है वो 22 नंबर पे जुड़ सकता है, या 22 नंबर का कुछ पार्ट जो होता है वो 9 नंबर पे हो जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, जिसको म्यूटेशन या ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं दोस्तों। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो 9 नंबर क्रोमोसोम्स है और 22 नंबर क्रोमोसोम्स है, सो आप एरो के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रही है। इसमें क्या होता है म्यूटेशन, इसमें क्या होगा कि मतलब आइदर हो सकता है कि 9 नंबर का कुछ पार्ट 22 में जाके मिल जाए, या 22 का कुछ पार्ट जो होता है वो 22 नंबर में मिल जाए। यहाँ पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में ऑरेंज वाले में ब्लू है, ब्लू वाले में ऑरेंज है। सो दोस्तों इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, इसको म्यूटेशन बोलते हैं, मतलब और ये म्यूटेशन जो होते हैं आगे कैंसर का रूप, ब्लड कैंसर का रूप ले लेते हैं, मतलब स्पेशली इन केस ऑफ ल्यूकेमिया। दोस्तों हमारे शरीर में बहुत सारे म्यूटेशन होते हैं, बस सब म्यूटेशन जो होते हैं हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, उसमें से कुछ म्यूटेशन जो होते हैं या ट्रांसलोकेशन जो होते हैं हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं दोस्तों। अब ये होता कहाँ पर है दोस्तों? हमारे शरीर में सेल्स होती हैं, हमारा शरीर बहुत सारी सेल्स से बना होता है, अगर आप स्किन में देखें बहुत सारी सेल्स या कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर क्या होता है क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर दोस्तों क्या होता है डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर जीन होता है। सो ये जो चेंजेस होते हैं दोस्तों क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए के जेनेटिक मटेरियल में होते हैं, मतलब साइटोसिन, ग्वानिन और एडिनिन और थायमिन, यहाँ पर चेंजेस होते हैं, यहाँ पर इनके अरेंजमेंट चेंजेस होते हैं जो कि क्रोमोसोमल लेवल पर दिखाई देते हैं, और बाद में जो होता है सेल्स लेवल पर वो दिखाई देते हैं दोस्तों। सो ये रिवर्स साइकिल में चलता है कि जीन में के अंदर चेंजेस होते हैं, फिर वो डीएनए में आता है, डीएनए से उस क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के बाद ये सेल पे दिखाई देते हैं दोस्तों, और ये इन्हीं ट्रांसलोकेशन और म्यूटेशन की वजह से दोस्तों बहुत सारी जेनेटिक बीमारियाँ होती हैं दोस्तों। अगर इसकी मैं क्लिनिकल यूटिलिटी की बात करूं कि बीसीआर एबीएल टेस्ट का कहां पर इस्तेमाल होता है, तो इसका जो पहला इस्तेमाल होता है वो कैंसर पता करने के लिए होता है, स्पेशली सीएमएल के केसेस में लगभग 90 से 95%, एएलएल के केसेस में 20 से 25%, और एएमएल के केसेस में 2 से 5% केसेस में सीएमएल के केसेस में और एएलएल के केसेस में, एएमएल के केसेस में ये पॉजिटिव पाया जाता है, मतलब बीसीआर एबीएल टेस्ट करवाएंगे तो वो पॉजिटिव पाया जाता है दोस्तों। उसके साथ साथ में इसका जो इस्तेमाल होता है दवाई की मॉनिटरिंग में होता है, मतलब अगर ये पॉजिटिव आ जाते हैं तो क्या होता है कि दोस्तों जो दवाई देती है इमेटिनिब मिसाइलेट नाम की दवाई चलती है, और उसका पता करने के लिए दवाई काम कर रही है नहीं कर रही है उसके लिए मॉनिटरिंग की जाती है, और उसमें ये भी देखा जाता है कि मतलब आप दवाई देने के बाद में कहीं बीमारी फिर से तो नहीं आ गई है, या फिर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, मतलब अब इसे फ़ायदा नहीं हो रहा है दवाई से,
तो ये सारे के जो टेस्ट होते हैं ना BCR-ABL टेस्टिंग, ये दवाई के लिए ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो इसके लिए थेरेपी बेस्ट अवेलेबल है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है कि अगर BCR-ABL टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब जो ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है और उसके लिए थेरेपी भी अवेलेबल है दोस्तों। और अगर ये निगेटिव आता है तो इसके दो कारण दो हो सकते हैं, या तो फिर ये ल्यूकेमिया नहीं है, और दूसरा ये होता है कि ये जो निगेटिव आता है MPN के केसेस में भी निगेटिव आता है, माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म के केसेस में भी ये निगेटिव आता है। उसके बारे में दोस्तों मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, तो आप वो देख सकते हैं कि MPN होता क्या है दोस्तों। और अगर आपको CLL, CML और AML या ALL के बारे में जानना है, तो आप हेल्थ रैम्बो चैनल में विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आप पा सकते हैं कि ये होता क्या है, ALL क्या होता है, CLL क्या हो सकता होता है, AML क्या होता है, CML। तो इसके बारे में मैंने काफी सारे पहले से वीडियो बना रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं दोस्तों। तो अगर दोस्तों साथ साथ में अगर आप ये ट्रीटमेंट के दौरान, जैसे मैंने बताया कि अगर आप टेस्ट करवाते हैं BCR-ABL टेस्ट करवाते हैं, और उसमें क्या होता है कि BCR-ABL की मात्रा अगर बढ़ रही है मतलब, तो इसका मतलब ये होता है कि कैंसर जो है ना क्योर नहीं हुआ है अभी, वो और बढ़ रहा है, तो आपको और कीमोथेरेपी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। और दोस्तों इसकी अगर जो मात्रा कम हो रही होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो कैंसर की मेडिसिन है वो काम कर रही है, आप उसको कंटिन्यू रखें, या आप देख सकते हैं कि जो कैंसर सेल्स कितने बचे हैं, उसी हिसाब से आप थेरेपी डिसाइड कर सकते हैं कि आगे कितने दिन तक देनी है और नहीं देनी है। और ये भी हो सकता है कि इसमें स्टेबल हो जाए, कि मतलब उसका लेवल ना घटे ना बढ़े, तो इसका मतलब होता है कि हाँ ट्रीटमेंट अब अपने पीक लेवल पर पहुंच चुका है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों जो बेस्ट सैंपल होता है वो बोन मैरो सैंपल होता है, बोन मैरो जो आपकी रीढ़ की हड्डी से सैंपल निकाला जाता है, और उसके साथ साथ में ब्लड सैंपल की भी जरूरत होती है, बट जो टेस्ट रिजल्ट बेटर आते हैं वो बोन मैरो सैंपल से बेस्ट रिजल्ट आते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर ये आपको टेस्ट करवाना हो तो मार्केट में अलग अलग नामों से होता है, जैसे BCR-ABL क्वालिटेटिव, इसका इस्तेमाल जनरली इसलिए किया जाता है कि ल्यूकेमिया है कि नहीं है दोस्तों, और BCR-ABL क्वांटिटेटिव का इसका काम जो होता है ये बताता है कि ल्यूकेमिया है कि भी नहीं, बाकी इसका जो काम होता है मॉनिटरिंग के केसेस में उसको ज़्यादा करवाया जाता है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम भी इसको नाम से जैसे जाना जाता है BCR-ABL क्वालिटेटिव को। उसके साथ साथ में BCR-ABL 1/Fish भी अवेलेबल होता है, उस साथ साथ में BCR-ABL IS इंटरनेशनल स्केल रिपोर्टिंग, उसका जो होता है कि इम्पोर्टेंस आजकल ज़्यादा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो वैल्यूज होती हैं वो स्टैंडर्ड रहती हैं एज पर इंटरनेशनल गाइडलाइंस दोस्तों। सो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, तथा तो बेल आइकॉन दबाएं, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दोस्तों।